यार वो दरख्त के पीछे कुछ है मंसूर, दरख्त के पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल भाई शराज खान के अगले व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आए हुए हैं हैदराबाद से 10 किलोमीटर दूर म्यानी के जंगलात के अंदर। दोस्तों ये म्यानी का जो इलाका है ये बेसिकली जो अब जंगल बन चुका है, ये 1843 के अंदर यहाँ पर अंग्रेज़ों और तालपुरों के दरमियान हुई थी जंग। और इसमें ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पाकिस्तान यानी इस ज़मीन पर आई थी, आपको पता है किस तरह आई थी, वो तिजारत के सिलसिले में आए थे, फिर वो यहाँ पर आके काबिज़ हुए। तो आखिरी जंग जो हुई थी यहाँ पर अंग्रेज़ों और तालपुरों के दरमियान वो इस जगह पर हुई थी जहाँ पर आज हम खड़े हैं। और बदकिस्मती से तालपुरों को इस जंग में जो है वो शिकस्त हुई थी। अंग्रेज़ जो है वो ये जंग जीते थे, सर जॉन नेफियर जो था वो कमांड कर रहा था इस जंग को, और काफ़ी जानों का नुकसान हुआ था, अंग्रेज़ों की तरफ से भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बहरहाल विक्ट्री जो है वो अंग्रेज़ों को ही हुई थी। आज ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ये जगह आ चुकी है और ये पूरा मुकम्मल जंगलात बन चुका है और ये बहुत खूबसूरत जंगल है। ये किस तरीके का जंगल है, आइए हम आपको जंगल भी विजिट करवाते हैं और मज़ीद इस जगह के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों इस जगह के बारे में लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर कोई अलग ही मखलूक रहती है, और वाकई में जो है वो फील हो रहा है यहाँ पर आके ऐसा कि यहाँ पर जो है कोई दूसरी मखलूक का भी जो है ना यहाँ पर बसेरा है। और कहते हैं कि यहाँ जिन्नात भी रहते हैं, चल के देखते हैं कि भाई जिन्नात वगैरह कहाँ हैं, और फिर हम आपको वीडियो के लास्ट में भी ये बताएँगे कि असल में जिन्नात हमें कहाँ नज़र आए और हमने कहाँ देखे। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिए। ये जो जगह है ये बताते हैं कि उसी दौर की बनी है, बल्कि उससे भी 60-70 साल पुरानी ये इमारत थी। ये आइए ज़रा हम भी चल के देखें तो सही कौन सी ऐसी मखलूक है जो यहाँ रहती है। भाई इस दीवार के पीछे अभी हमें कोई जाता हुआ नज़र आया है, आइए हिम्मत करते हैं और देखते हैं इस दीवार के पीछे कौन सी ऐसी मखलूक है जो अभी गई है यहाँ से। दोस्तों ये जो पीछे मेरे आप इमारत देख रहे हैं ये है रेस्ट हाउस। जब अंग्रेज़ों को इस जंग के अंदर फतह हुई थी तो उन्होंने इस जगह पर जो है वो अपना खेमा गाड़ा था, और आज गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया हुआ है। टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं और यहाँ पर जो है वो रेस्ट हाउस में जो है वो आराम करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये म्यानी की दो जंगें हुई थी, बैटल ऑफ दी हैदराबाद दो थी। एक जंग हुई थी फरवरी के महीने के अंदर जो यहाँ इस जगह हुई थी, और एक जंग हुई थी मार्च के महीने के अंदर। वजह ये बनी थी कि होश मोहम्मद शीदी जो मशहूर कमांडर था तालपुरों का, जब उसको पता चला कि हम एक जंग हारे हैं और हमारे ही अंदर कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से हम जंग हारे, तो फिर उसने जाके मीरों से जो कि मीरपुर खास के मीर थे उनसे हाथ मिलाया, और फिर उसने कहा कि भाई मुझे जो है वो ये गद्दारी नहीं, मैं बाकायदा अपनी कौम अपने वतन के लिए लड़ता रहूँगा जब तक कि मुझे शहादत नसीब ना हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इस जंग के अंदर होश मोहम्मद शीदी जो कमांडर था तालपुरों की तरफ से वो शहीद हुआ था। आपको किसी दिन जो मार्च के महीने में जो जंग हुई थी उस जगह का भी हम विजिट कराएंगे, वहाँ मोनोमेंट्स बने हुए हैं उस जगह पर, उस जंग के असरात अभी भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। होश मोहम्मद शीदी के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो होश मोहम्मद शीदी वही कमांडर है कि जिसने गद्दारी को कबूल नहीं करा बल्कि कहा कि मैं लड़ते लड़ते शहीद होना पसंद करूँगा, और यही इन्हीं का वो स्लोगन है जो आप बिलावल भुट्टो की ज़बानी अक्सर सुनते हैं कि मरसूँ मरसूँ सिंध ना डीसूँ, बेसिकली मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं सिंध नहीं दूंगा, ये वाला नारा लगाया था
होश मोहम्मद शीदी ने। आइए आपको मज़ीद भी विज़िट करवाते हैं। उस तरफ कुछ है, कोई सा जानवर है उस तरफ, अभी देखा है। कौन है? डॉगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और हिस्टोरिकल प्लेस था, हमने सोचा ख़ुद भी घूमें और आपको भी विज़िट करवाएं। हमारे घर से बहुत करीब है, हमारी ही सिटी का हिस्सा है, हैदराबाद से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ ज़रूर आइए। तो अगली व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे याद आया कि मैंने आपसे कहा था कि एक मखलूक देखेंगे यहाँ पर और स्पेशली जिन्नात, तो भाई फिर मैं आपसे वही बात करूँगा कि जिन्नात कहाँ नहीं होते भाई, छोड़ो यार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।